Question is, two small conductors A and B are given charges Q1 and Q2 respectively. Now they are placed inside a hollow metallic conductor. Means ये दो conductor है A and B. Conductor पर charge हमेशा surface पर ही रहता है, अंदर charge नहीं होगा. इसको एक hollow conductor के अंदर रख दिया, carrying a charge capital Q. Capital Q charge इसके पास. If all the three conductors are connected by conducting wires as shown, इनको connect किया, इनको बाहर connect किया, then the charges on A and B and C will be respectively. इसके लिए एक छोटा सा example लेते हैं. Let's suppose एक sphere को एक दूसरे sphere के अंदर रखा हुआ है हमने, चल एक sphere रही है और इनको connect किया. Connect करने का मतलब होता है जिन भी दो बॉडीज को हम कनेक्ट करते हैं, इट मींस पोटेंशियल ऑफ द टू बॉडीज आर सेम. सो पोटेंशियल सेम हो गया. मान लेते हैं इस पर चार्ज Q1 आ गया, इस पर चार्ज Q2 आ गया. इसके रेडियस कुछ ले लेते हैं स्मॉल r, इसके रेडियस कैपिटल r. पोटेंशियल ऑफ दिस टू स्पेयर्स मस्ट बी सेम. सो पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल हो जाएगा अंदर V1 इक्वल्स टू के Q1 बाई r प्लस के Q2 बाई r. सिमिलरली बाहर वाले स्फीयर का पोटेंशियल हो जाएगा V2 Q1 की वजह से के Q1 बाई कैपिटल R प्लस के Q2 बाई कैपिटल R. V1 इक्वल टू V2, दोनों का पोटेंशियल सेम है, इसको सेम कर देते हैं. सो के Q1 बाई R प्लस के Q2 बाई R इक्वल्स टू के Q1 बाई R प्लस के Q2 बाई R. कैंसिल आउट हो गया, इसको इधर ले लेते हैं. के Q1 कॉमन, 1 बाई R माइनस 1 बाई कैपिटल R इक्वल्स टू 0. 1 बाई R माइनस 1 बाई कैपिटल R, ये 0 हो नहीं सकता क्योंकि दोनों डिफरेंट है, अलग अलग वैल्यूज हैं. के तो कांस्टेंट है, Q1 मस्ट बी इक्वल टू 0. सो Q1 इक्वल्स टू 0. इसका मतलब ये हुआ कि जो भी चार्ज था अंदर वाले स्फीयर पर वो बाहर वाले पर आ गया. मींस अंदर कोई चार्ज नहीं रहता, पूरा चार्ज बाहर आ जाता है. सेम थिंग विल हैपन हियर, जितना भी चार्ज है Q1 Q2 वो बाहर आ जाएगा. सो A और B दोनों पे चार्ज 0 हो जाएगा और C पे टोटल चार्ज हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस कैपिटल Q. तो चार्ज ऑन A Q A 0, Q B 0 एंड Q C इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस कैपिटल Q. इट इज द आंसर.